आपको बीजेपी के ऑफिस में उनके पिताजी जो थे वो वहाँ टिकट के लिए लड़ाए हुए थे और वहाँ टिकट भी मिलने के ऊपर कांग्रेस के दफ्तर में पहुँच गए। मुझे शक हुआ कि ये इस तरह के बातें हिलाते रहे हैं पहले भी कि हम कुछ कुछ भी कर सकते हैं, उसकी जानकारी है, इससे जानकारी है, लेकिन मुझे ये अफसोस है कि वो काम कांग्रेस के कार्यकर्ता है कभी नहीं, और कांग्रेस के लिए कभी एक दिन भी उन्होंने अपने काम नहीं किया, एक कभी कोई खबर नहीं लगाई, और एकदम से उनको जो प्रत्याशी बनाने के लिए तो मैंने एक लेटर लिखा श्रीमती सोनिया गांधी जी को जो प्रधान थी उसने पूछा कि अगर आप मुझे कभी पाते हैं तो कांग्रेस के 10 और ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाएंगे जो कभी कांग्रेस में रहा नहीं, कभी कांग्रेस की बात नहीं की, कभी कांग्रेस के बारे में सोचा नहीं, कांग्रेस की सभा में कभी नहीं आया, महात्मा गांधी की जो हमारे पुण्यतिथि की है उसमें कभी फूल चढ़ाने नहीं आए, जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जब कभी हम जन्मने नहीं आया उनके जो है मनाते हैं, राजीव गांधी जी का जो है चाहे उनकी पुण्यतिथि वो मनाते हैं तो वो हमारे बीच में कभी बचते नहीं हुए। जितने मसले हमारे सामने अपोजिशन में होते हुए आए, चाहे लिमिनेस के मजदूरों से मारपीट की बात हो, मैंने अपने घर में जगह दी, यहीं उनको पानी देना, अपने घर चाय पिलाते रहे, क्योंकि डर होता था कि उनके ऊपर जो है फैक्ट्री के मालिक हमला ना करें, तो मैं उनको यहाँ शेल्टर देते थे और उनके साथ खड़े थे। फिर हमारी दूसरी तकनीक में जो यहाँ की थी उनका कोई तकरार हुई हमके साथ, तब भी हम खड़े रहे, अनिल बाबू के साथ कोई धक्का करने की कोशिश की उसमें भी हम उतर खड़े। मतलब ये है कि पार्टी का जो आदेश छोटे से छोटे कार्यकर्ता के रूप में किसी ने भी दे दिया, चाहे हमारे से जूनियर लोग यहाँ के प्रभारी भी बनाए हुए थे यहाँ के जो थे, उन्होंने भी कह दिया कि आपकी मीटिंग लेनी है तो हम जो है नंगे पैर जो थे यहाँ पहुँच जाते रहे, चाहे ग्रेड बुला लो हमें, चाहे उन्ना बुलाया हो, चाहे ईडी के खिलाफ कोई प्रदर्शन करना हो, धरना करना हो, पेट्रोल प्राइस के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन करना हो, वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन करना हो, अगर किसी की डेथ होती है वहाँ जाना हो, और सारे संपर्क गालियाँ कभी इस चीज़ में पीछे नहीं हटा कि मेरे कार्यकर्ता अगर कहीं कष्ट में हो तो इस कार्य हमेशा खड़ा रहेगा और मन की उसके साथ, मन के साथ हर तरह से फिजिकली। एक बार तो ये ऐसी नौबत आ गई कि देवीलाल को 3 मैच में गिरफ्तार करने आ गए और मैं चप्पल में वहाँ पहुँच गया और लोगों ने कहा यार बड़ा सुधाई है, मैंने कहा कार्यकर्ता की रक्षा करना मेरा धर्म है और आप सब मेरे कार्यकर्ता हैं, मैं जो हूँ वो आपसे हूँ, नेता उसके कार्यकर्ताओं से होता है और मैं आगे भी आपके लिए रहूँगा। ऐसा कुछ नहीं, नेता कभी खत्म नहीं होते, अगर कुछ होते एक बार टिकट किसी ने कटवा दिया तो कालिया जो है वो खत्म हो जाएगा, हम फिर से दोबारा से जो है अब प्रधायक कुमार ये सोच ले कि आप जो ये फैसला कर रहे हैं ये इतने जो लोग यहाँ बैठे हैं इससे दोगुना बाहर भी होंगे, क्योंकि हमने अभी सभी लोगों को बुलाया नहीं था, एक छोटा सा एक मैसेज पास किया था, आप लोग सारे हाजिर हो गए हैं। लेकिन अच्छा होता हाईकमान, मैं भी दिल्ली में था और जो हाईकमान के लोग फैसला करने वाले थे वो मुझे बुला लेते और बोलते काली साहब हम टिकट जो है वो इस व्यक्ति को देना चाह रहे हैं, आपने भी मदद करनी है और सरकार बनने पे आपका मान सम्मान कर दिया जाएगा। अगर किसी उच्च लेवल का ये कोई व्यक्ति ऐसे कह देता तो शायद मैं जो था मेरे को दुख ना पहुँचता। मुझे दुख इसलिए हुआ कि जिस व्यक्ति ने अभी पार्टी ज्वाइन भी नहीं की है आप उसके पीछे टिकट लेके भाग रहे हैं, तो ये मेरा एक रोष और एक ये मेरी वो है। और कार्यकर्ताओं को पता है उन्होंने क्या करना है, आप अगर मेरी अनदेखी हो सकती है तो आपके साथ क्या हो सकता है, ये आप भी भलीभांति जानते हैं। अगर राकेश कालिया जो 3 बार विधायक रहा हो हिमाचल में, एक बार तो राजा वीरभद्र सिंह जी जो यहाँ के अध्यक्ष थे उनसे भी ज्यादा वोटों से जीता, एक बार मैं दूसरे नंबर पर आया तब जो प्रवीण शर्मा के साथ इलेक्शन में हुआ, तो उसके बाद गगरेट से भी यहाँ अच्छी वोटों से जीते। पिछली हवा में ऐसी हवा चली चुनाव हार, नेता हारते भी हैं जीतते भी हैं। हाँ, मेरी किसी कार्यप्रणाली में कोई आपको कमी नजर आई हो, राकेश कालिया ने कोई प्रोग्राम अटेंड ना किया हो, पार्टी की विरोधी गतिविधि कोई की हो, तो मुझे बुला के पूछिए भी कालिया आपने ये काम कैसे किया है। मुझे जो कोई आदेश मिला मध्य प्रदेश में आपने लगाया, हम हर दिन रात हम वहाँ, हालांकि यहाँ से काफ़ी बड़ा प्रदेश था और वहाँ उसी समय तक काम करते जब तक वहाँ काम करूँगी हो, तो मेरा सब आपसे ये अनुरोध है कि ये बात जो है हाईकमान तक पहुँचा, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, आप इस फैसले को रिव्यू कर सकते हैं, आप में कैपेसिटी है,
अगर आप में कोई खोट नहीं है, जैसे लोग कह रहे हैं शक की निगाह से देख रहे हैं पार्टी को, मुझे दुख हो रहा है जब लोग शक की निगाह से, कई लोगों ने कहा कि क्या ऐसा हो गया है कि पार्टी भी क्या ऐसी मजबूरी आ गई है कि जो कल व्यक्ति आया हो वो उसको आप जो है वो टिकट देना चाह रहे हैं। हम 2,500 कार्यकर्ताओं के साथ शुक्ला जी को मुबारकपुर बाजार में मिले, उनके उपहार डाले, फूल डाले, सब कुछ किया, अपनी ताकत भी दिखाई और हमने ये दिखाया कि हम जीत भी सकते हैं, हम 110% जीतते इस पर हमें टिकट देते तो। लेकिन आपकी क्या मजबूरी होगी कि आप उसको जो पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाया, जो पार्टी जिसने पार्टी के लिए काम कभी नहीं, ISP के लोगों के ऊपर जो थे ये लोग काम कर रहे थे। आप ज़्यादा प्रबुद्ध हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से पता है, अगर मेरे साथ अन्याय होगा तो आपका ये ख्याल क्या रखेंगे, मैं अगर मुझे कहीं एडजस्ट करेंगे तो मैं तो आपके लिए हूँ, आपका कोई काम होगा। मैं अपोजिशन में था तब भी लड़ता था, चाहे किसी लड़ाई किसी के भी साथ हो, चाहे मुख्यमंत्री से क्यों ना हो, चाहे जो थी MLA साहब के साथ कोई ना बात हो, चाहे पुलिस के साथ कोई ना बात हो, राकेश कालिया का भी पीछे हटाए, अनिल बाबू से कोई गाड़ी लगे कहीं, मैं यहाँ नहीं था, मैं कहा मेरी वाइफ आएगी वहाँ पे जाके फैसला कराने के लिए, वाइफ पहुंची, मेरा 21 साल का बेटा लोकसभा से बनी थी, इसको इलेक्शन लड़ाना है, 25 साल तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो अगली बार भी पता नहीं होगी, जो उसकी वाली की उम्र होगी या नहीं होगी, वो अपने पिता की मदद करने के लिए हमने वो भी लगाया हुआ था, एक जगह लकड़ी डालने मैं जा रहा हूँ तो दूसरी जगह वो जा रहा है, तो हम किसके लिए लगे बैठे, कांग्रेस को मजबूत करने के, और कांग्रेस पार्टी ने हमारा राय नहीं जानी, मत ही नहीं जाना, और 27 दिन आपने सिंगल नाम मिला करके रखा और उसको पेंडिंग रखा, मैंने मुझे भी समझा रहा ये पेंडिंग क्यों कर रहे हैं। अब उस व्यक्ति को जो परसों BJP का टिकट मांग रहा है, जो BJP की लिस्टें देख रहा है, चैतन्य शर्मा BJP वाला, ऐसी उसकी परसों तक जो था उसका लोगो लगा हुआ था उसके फेसबुक के ऊपर, तो उसको एक रात में लोगो हटा के जो है कांग्रेस का झंडा लगा के और जो है उसको आप टिकट समाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कार्यकर्ता को क्या दिखाना चाहते हैं, आप किससे काम लेंगे, कौन आपके लिए जो है नारे लगाएगा बाजार में जाके, कौन आपके लिए जो है काम करेगा। हर व्यक्ति तभी काम करता है, उसको लगता है कि जब मेरी पार्टी आएगी तो मेरा मान सम्मान होगा, तब भी ये बच्चे काम करते हैं, जब भी दौड़ दौड़ के काम करते हैं, तभी हम काम करते हैं कि जब सरकार आएगी, जब इलेक्शन आएगा, हम मुझे अच्छा लगता है हमारे कार्यकर्ता को किसी को देते तो हम उसका वर्क करते, उसे उसके लिए कार्य करते। तो मुझे ये एक बहुत सदमा भी पहुंचा इस बात से, मैं वहां से जब आया, मैं कल ही छोड़ के आ गया था जब मुझे पता चला कि ये ज्वाइन कर रहे हैं और उनकी ज्वाइनिंग कंडीशनल है, ये भी मुझे, मैंने फिर उनको जो है वो नमस्ते की, मैंने कहा फिर हम मैंने तो क्या करना है, अपने लोगों से बात करूँगा, न्याय आपसे मांगूंगा, आप न्याय देंगे, आपके पास न्याय है, आप मेरे, मैं समझता हूँ कि मेरी बात हाईकमांड तक पहुँच जाएगी और मुझे न्याय मिलेगा। वैसे भी आप जो करना चाहेंगे वो तो मुझे पता है, जो आप करेंगे और क्या क्या आपको करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हैं असली, आपके पास है असली ताकत, किसी के पास नहीं है, चाहे जितना मर्जी पैसा है, जब आप ठान लेंगे होगा वही, क्योंकि ये जो हाउस बैठा है ये बुद्धिजीवियों का हाउस है, इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पीछे 50 वोट नहीं है, तो मैं ये कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए एकदम कहे 1,000 रुपया लेके ये समझे कि सब सारी वोट ही मुझे आ जाएगी, तो वो भी इस गलतफहमी में जो है, तो मैं बहुत इस समय भावुक समय है, तो आप सबका, आप इसमें इस समय हौसला देने के लिए आए हैं, उसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और आप आए, आपका बहुत धन्यवाद।